हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, आज हम एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, अ सॉयल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट हैज अ मास ऑफ 2.290 किलोग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.15 इंटू 10^-3 मीटर क्यूब आफ्टर बींग ओवन ड्राइड। मतलब अब दोस्तों क्या किया, ओवन में सुखा दिया गया है, तो उसका पास मास क्या होता है, रिड्यूस होगा। तो वही बात बोली गई है, द मास ऑफ द सैंपल इज 2.035 kg। मतलब कि दोस्तों पहले इतना था, ड्राई करने के बाद उसका सैंपल सॉयल सैंपल का वेट इतना रह गया। तो उसका जीएस दिया, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑफ सॉयल, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 2.68 दिया है। तो पूछ रहा है द वाइड रेशियो ऑफ द नेचुरल सॉयल कितना होगा। मतलब कि दोस्तों पूछ रहा है वाइड रेशियो ई पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वेट ऑफ सॉयल मान लेते हैं दिया है, टोटल वेट कितने दिया है 2.290 किलोग्राम। ध्यान दीजिए दोस्तों, यूनिट हम लिख रहे हैं, इसका मतलब वेट का मतलब नहीं कि यहाँ पे मास ही लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और कोई इसका रीजन नहीं, आप इसको एम से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम कितना है दोस्तों, इसको हम बात कर लें तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 1.15 इंटू 10^-3 मीटर क्यूब। अब इसको सुखा दिया गया, मतलब कि अब जो बचेगा केवल वेट ऑफ सॉइल बचेगा वो है 2.035 किलोग्राम। अब यहाँ पे जी दिया हुआ है कितना है दोस्तों 2.68। पहले हम दोस्तों इसका हमको वाटर कंटेंट निकालना है, तो वाटर कंटेंट अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा ये हमारा क्या, तो वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ टोटल वेट में से वेट ऑफ यहाँ पे सॉइल माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा वेट ऑफ वाटर और नीचे बचा है वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पे वेट टोटल वेट दिया 2.290 माइनस वेट ऑफ सॉइल दिया 2.035 अपान वेट ऑफ सॉइल, हमको पता है 2.035 यहाँ पे दिया ही है। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये आता है 0.255 अपान 2.035। इसको जब हम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.1253। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो दोस्तों ये वाटर कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा ये वाटर कंटेंट है, ये आएगा 12.53% हमारा वाटर कंटेंट आ गया दोस्तों। अभी इसको आगे पड़ेगा और हमको एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी, जो है हमारा गामा यूनिट वेट। दोस्तों ये गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉयल है, ये इसको हम निकालेंगे नेचुरल स्टेट में, तो ये निकलेगा वेट अपॉन वी। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू हमारा है 2.290 और वॉल्यूम हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1.15 इंटू 10^-3 कितना हो गया दोस्तों मीटर क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो गामा हमारा निकल के आएगा 1991 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे ये इतना अभी हमको जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसको निकाला वेटर कंटेंट की और गामा की। अब हमको यहाँ से गामा डी पता है, गामा डी कितना होता दोस्तों हमको पता है, ये हमको है गामा अपान 1+W टोटल, मतलब टोटल यूनिट वेट जो है हमारा, बल्क यूनिट वेट बोल सकते हैं इसको, 1+W वाटर कंटेंट। अगर हम इसको पुट अप करें तो हो जाएगा 1991 अपान 1+। दोस्तों यहाँ वाटर कंटेंट हम रखेंगे डेसिमल में, ना कि परसेंटेज में, तो यहाँ पे होगा 0.1253। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो गामा डी निकल के आता है वो हमारा आएगा 1769.5 किलोग्राम। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलसी से। वहीं पर दोस्तों हमको गामा डी का फॉर्मूला एक और पता है, क्या है पता है, जी गामा डब्ल्यू अपान 1+E। अब यहाँ से हमको दोस्तों वाइड रेशियो निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर अगर वाइड रेशियो इक्वल टू निकालना चाहें तो इक्वल टू हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी माइनस वन। अब सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो जी की वैल्यू हमको पता ही है, इसमें दिया हुआ है 2.68। गामा डब्ल्यू हमको यहाँ पर रखेंगे 1000, क्योंकि दोस्तों इसमें कितने रहती हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। यहाँ पर अगर हम गामा डब्ल्यू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मान सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा रो डब्ल्यू, क्योंकि किसमें रखना यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखेंगे 1000 अपान गामा डी, यहाँ पे देखिए 1769.5 किलोग्राम है और यहाँ से माइनस वन कर देंगे। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा ई इक्वल टू 0.514। दोस्तों हमारा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि हमारा वाइड रेशियो कितना होगा, दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार हमारा वाइड रेशियो निकल जाएगा नेचुरल ऑफ नेचुरल वाइड रेशियो ऑफ द नेचुरल सॉयल। यहाँ पर हमारा ये आंसर हमारा दोस्तों होता है। यदि आपके पास दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए लिंक से आप उसको भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएं विथ आपके नाम के साथ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।